कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने दिल के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, कि कैसे हम अपने दिल को घर में स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि हमारा दिल जितना ज़्यादा स्वस्थ रहेगा, हम भी उतना ही ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आइए जानते हैं अपने दिल के बारे में। लेकिन उससे पहले आप ये बताइए, क्या आप अपने दिल से, अपने दिल के बारे में कितना सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सच में अपने दिल के प्रति सीरियस हैं और आप अपने दिल के लिए कुछ तो करते रहते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो दिल है वो हमेशा स्वस्थ रहे। हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीज़ों की वजह से हमारा जो दिल है ज़्यादा समय तक स्वस्थ बना रहेगा। तो आज की वीडियो में हम यही सब कुछ जानने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें शुरू से लेकर एंड तक। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोग भी अपने आप को स्वस्थ रख सकें, अपने दिल को स्वस्थ रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं सबसे पहले अपने दिल के बारे में कि आखिर ये जो दिल है ये है क्या। एक्चुअली हम मनुष्यों के शरीर का एक सबसे मेहनती अंग होता है दिल। ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है। हमारा जो दिल है, हमारा शरीर सही तरीके से काम करता रहे, सुचारू तरीके से काम करता रहे, इसके लिए हमारा जो दिल है एक ऐसा ऑर्गन है जो लगातार काम करता रहता है ताकि हम अच्छे से, हमारा शरीर अच्छे से काम करता रहे। और सबसे बड़ी बात कि हमारा जो दिल है हर दिन प्रति मिनट 72 से 80 बार धड़कता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस दिन से हम इस धरती पर जन्म लेते हैं उस दिन से हमारा दिल धड़कना शुरू कर देता है और बस तब तक धड़कता रहता है जब तक कि हम इस धरती पर। फ्रेंड्स, जैसे जैसे दिल धड़कता है वैसे वैसे एक सही नेटवर्क के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में जितने भी टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, उन तक सही तरीके से ऑक्सीजन और जो पोषक तत्व हैं वो ब्लड जो है वो लेकर हमारे पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम करता है। और वो सिर्फ हमारे हार्ट की वजह से ही होता है। जैसे जैसे दिल धड़कता है वैसे वैसे प्रेशर बनता है और वैसे वैसे वे चीज़ें आराम से हमारे पूरे बॉडी में, पूरे नसों तक ये प्रभावित होती हैं ब्लड के। तो आइए जानते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम्स के क्या क्या साइन होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि किसी इंसान को हार्ट की प्रॉब्लम है? तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो होता है सीने में दर्द होना, यानी आपकी छाती में दर्द होगा, आपको भारीपन महसूस होगा, आपको दर्द सा फील होगा। कई बार ये नॉर्मल होता है क्योंकि गैस की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं, लेकिन जिस हार्ट के आसपास एरिया में अगर ये प्रॉब्लम हो तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा थकान और कमजोरी रहना, सांस फूलना, आपकी जो हार्ट बीट होती है वो अनियमित हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा तेज हो जाना, इसके अलावा सूजन होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना, इसके अलावा खांसी आना, लगातार खांसी आना, ये जो साइन है ये सब हार्ट प्रॉब्लम्स के साइन। डायबिटीज़ का होना, हाई ब्लड प्रेशर का होना, ये भी हार्ट के ही प्रॉब्लम्स के साथ। अब जानते हैं कि कैसे हम अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं, तो वो सीक्रेट्स चलिए जानते हैं कि क्या 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 वो तरीके हैं जिनसे हम अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है हमारे हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए, वो है आपको डेली एक्सरसाइज करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, 45 मिनट एटलीस्ट आपको खुद के लिए समय देना होगा। आपको 45 मिनट से 1 घंटे तक का एक्सरसाइज ज़रूर करना है। आप उसमें कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, अपने हार्ट के लिए आप एरोबिक डांस कर सकते हैं। ये जो सारे एक्सरसाइजेज होते हैं ये हमारे हार्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसके अलावा आपको कम से कम 10,000 स्टेप्स अपने घर पे चलने चाहिए, क्योंकि ये हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, योगा प्राणायाम तो हमें करना ही है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताऊँ, कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कि लोग थोड़ा सा भी चलना नहीं चाहते। अगर आपको एक फ्लोर पे भी जाना है तो वहाँ पे आप लिफ्ट का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ऐसा बिल्कुल ना करें। एटलीस्ट आप अगर 30-40 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो ये आपके हार्ट के लिए तो और अच्छा हो जाता है। फ्रेंड, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। एक बार मैं एक शॉपिंग मॉल में गई और वहाँ पे क्या हुआ कि बस हमें फर्स्ट फ्लोर पे ही जाना था और एटलीस्ट वहाँ पे 10 से 12 सीढ़ियाँ थी।
और वहाँ पे भी एक पर्सन आए, उनके साथ मेरी तरह ही एक लड़की थी। एंड यू नो वो जो मॉल के जो स्टाफ थे उनसे कह रहे हैं कि आप लोगों ने लिफ्ट नहीं लगा के रखा है यहाँ पे, कितनी प्रॉब्लम होती है, हमें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। ओ माय गॉड, आप 10 से 12 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना चाहते तो ऐसे में आप कैसे स्वस्थ रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आप ज़रूर कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ें, और अगर आप सीढ़ियाँ हैं तो प्लीज़ सीढ़ियों को चढ़ें, क्योंकि ये हमारे हार्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा हमें बैलेंस्ड फूड लेना है, तो अब बैलेंस्ड फूड में क्या ले सकते हैं, तो बैलेंस्ड फूड में ले सकते हैं हम अच्छा फ्रेश फ्रूट्स हमें लेना है, लेकिन हमें प्रोसेस फूड को क्या करना है, अवॉइड करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ्रेश फ्रूट का यूज़ करना है, फ्रेश खाने का यूज़ करना है, प्रोसेस्ड फूड को हमें अवॉइड करना है, जंक फूड को अवॉइड करना है। और एटलीस्ट हर दिन हमें 3 तरह के फ्रूट्स तो खाने ही हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हमें लेने हैं, और अगर आपके पास ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं मिलते हैं तो भी आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपने डेली डाइट में शामिल करें। इसके बाद आपको अपना जो स्ट्रेस लेवल है उसे कम करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, और स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, वो है मेडिटेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो मेडिटेशन है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। आप स्टार्टिंग 5 मिनट से कीजिए, फिर धीरे धीरे आप खुद देखेंगे आपका जो स्ट्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम होने लगेगा, और आपकी जो एंग्जाइटी है वो कम होने लगेगी। तो फ्रेंड्स, आपको स्ट्रेस का जो लेवल है उसे कम करना होगा, उससे फ्री होकर आपको जीना होगा, जिससे कि आपका जो हार्ट है वो हमेशा स्वस्थ बना रहेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको रेगुलर चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में आपको अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, ताकि आपका हार्ट किस तरह से काम कर रहा है ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमें कुछ ऐसे डाइट को शामिल करना है जो कि हमारे हार्ट के लिए हेल्दी हो। उसमें हमें फ्रेश फूड आइटम्स को शामिल करने हैं, जिसमें कि हम की सब्जियां ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, साग सब्जियां जो होती हैं उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ओमेगा 3 का यूज़ कर सकते हैं, हम एप्पल्स ले सकते हैं, ऑरेंजेस ले सकते हैं, चेरीज ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं जो मौसम के अनुसार हमें मिलते हैं, उन्हें हमें ज़रूर लेना चाहिए। इसके अलावा जो वॉलनट होता है ये भी हमारे हार्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। हम क्रिल का यूज़ कर सकते हैं, क्रिल जो कि एक बहुत ही अच्छी मतलब ओमेगा 3 का सोर्स होता है, ये एक ऐसा फिश है, तो इसे हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप ओट्स यूज़ कर सकते हैं, किनोवा यूज़ कर सकते हैं, ये सब कुछ हमारे हेल्दी हार्ट के लिए बहुत ही अच्छे फूड माने जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताएं, ये सारे चीज़ें अगर हम अपनी लाइफ में शामिल करते हैं, अपने डेली रूटीन में इन चीज़ों को शामिल करते हैं, तो हमारा जो हार्ट है वो हमेशा स्वस्थ बना रहेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ध्यान अपने खान पान पे देना है, तो आपको ऐसी चीज़ें शामिल करनी है जिससे कि आपका हार्ट स्वस्थ रह सके। इसके अलावा मैंने अभी आपको बहुत सारे फूड के बारे में बताया जिन्हें हमें शामिल करना है। इसके अलावा आप कुछ फूड सप्लीमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप ओमेगा 3 यूज़ कर सकते हैं, आप कार्डियो एक्टिव यूज़ कर सकते हैं, आप क्रिल ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो कि हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, आप गार्लिक पर्ल यूज़ कर सकते हैं, या फिर कच्चे लहसुन को सुबह सुबह भून कर आप खा सकते हैं, जो कि हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसा नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे गार्लिक पर्ल को यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक अच्छे हार्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो आशा करती हूँ फ्रेंड कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपको, आपके अच्छे हार्ट के लिए आपको पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए।